निकाय चुनाव को लेकर झालावाड़ शहर में नेताओं के बीच आपसी घमासान भी शुरू हो गया है, लेकिन इन सबके बीच कांग्रेस पार्टी के भीतर का अंतर्कलह भी अब सड़कों पर दिखाई दे रहा है। ऐसा ही मामला उस समय सामने आया जब झालावाड़ सिटी फोन पर नगर परिषद द्वारा बनाए गए स्वागत द्वार पर लगे पूर्व सभापति मनीष शुक्ला के फोटो पर कुछ अज्ञात तत्वों ने कालिख पोत दी। शहर के सिटी फोर लेन से गुजर रहे हर व्यक्ति द्वारा स्वागत द्वार पर बदमाशों द्वारा हुई असामाजिक हरकत से यह विषय पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। गौरतलब है कि पूर्व सभापति मनीष शुक्ला को विपक्षी पार्टी भाजपा से कम और खुद की पार्टी कांग्रेस के नेताओं से अधिक लोहा लेना पड़ा और मुश्किल के साथ अपना कार्यकाल पूरा किया। हालांकि घटना को लेकर शुक्ला समर्थकों में खासी नाराजगी है, तो वहीं मनीष शुक्ला ने इसे विकास विरोधी लोगों के शर्मनाक हरकत बताते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। सूचना मिली उनके माध्यम से, सोशल मीडिया पे इसके माध्यम से पता लगा कि भाई जो स्वागत द्वार जो मैंने लगवाए थे तीन जगह पर, तो उनमें से दो जगह पर जो है उस पर मेरे चेहरे पर कालिख पोती गई। तो ये बहुत शर्मनाक घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि शहर के विकास के लिए, चहुं के विकास के लिए जो मैंने प्रयत्न करे, जो मैंने कार्य करे, वो कुछ लोगों को भा नहीं रहा है और उन्होंने इस तरीके की हरकत करी कि उन्होंने मेरे चेहरे पर कालिख पोती। तो मेरा ये कहना है कि उन्होंने मेरे चेहरे पर कालिख नहीं पोती, बल्कि झालावाड़ शहर के विकास पर वो कालिख पोतने का कार्य करता है।